पुलिस थाना सोलन में महिला की शिकायत की है कि उसे शादी का झांसा देकर एक व्यक्ति उसके साथ दुराचार करता रहा, लेकिन महिला ने व्यक्ति के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा तो वे टाल मटोल करने लगा। महिला के अनुसार उसने व्यक्ति को कई बार मनाने की कोशिश की लेकिन वे नहीं माना। तब महिला को पता चला कि उसके साथ धोखा हुआ है, जिसकी वजह से वे कानून की शरण लेने को मजबूर है। मामले की पुष्टि करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने बताया कि महिला ने पुलिस थाना सोलन में शिकायत दर्ज करवाई है कि उसका प्रेमी उसके साथ 4 वर्ष से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म कर रहा था और जब उसने प्रेमी के समक्ष शादी का प्रस्ताव रखा तो उसने उसे ठुकरा दिया। उन्होंने बताया कि महिला की शिकायत पर आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। एक महिला ने सोलन पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दी थी, जिसमें उन्होंने एक व्यक्ति पे पिछले 4 सालों से अपना शारीरिक शोषण करने के बारे में आरोप लगाए थे। इस पे महिला की कंप्लेंट पे 376 और 506 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया गया है और जो इसमें आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा रहा है, जहां से उसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा। फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है केस में जारी है।